दीपोत्सव पर हर घर दीपक जलेंगे और खुशियों व नई ऊर्जा का संचार होगा। खास बात यह है कि इस साल कोरोना संक्रमण कम होने के कारण देसी दीपक की मांग बढ़ी है। वहीं लोग चाइनीज दीपक की जगह देसी दीपक को भी महत्व दे रहे हैं, इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। इस बार करीब 70 लाख दिए बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। इस साल जिले भर के साथ इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के शहरों में भी नीमच में बने देशी मिट्टी के दीपक से घर घर रोशनी होगी। ग्वालटोली क्षेत्र के परिवार 70 लाख दीपक तैयार कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले ने बताया कि ग्वालटोली क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न जिलों में, साथ ही दिल्ली व मुंबई तक भी दीपावली पर्व के लिए मिट्टी के दीपक बिकने के लिए जाते हैं। इस साल दिल्ली मुंबई से भी ऑर्डर हैं, लेकिन संख्या कम है। प्रदेश के अन्य शहरों व राजस्थान के कुछ जिलों के ऑर्डर जरूर ज्यादा हैं। करीब 100 परिवार 3 महीनों से ज्यादा समय से मिट्टी के दीपक बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। शहर में वर्तमान में 100 से ज्यादा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने के कार्य में दिन रात एक कर रहे हैं। 25,000 से लेकर 6 लाख तक मिट्टी के दीपक एक परिवार बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। इस बार 70 लाख दीपक शहर व शहर के बाहर पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। नीमच से मंदसौर, जावरा, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, भोपाल और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी सहित मध्य प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ दिल्ली व मुंबई तक दीपक पहुंच गए हैं और अभी पहुंचाने शेष हैं।